ज्यादा वीडियो में चलता भाई। अभी रात के बज रहे हैं 3:47, 3:47 हो रही है। अगर ये वीडियो पसंद आएगा फटाफट से वीडियो को लाइक कर देना, और साथ ही मैं आज मैं आपको रात में दिखाने वाला हूँ जयपुर के बारे में। जयपुर की कुछ चीजें फेमस है, उसमें से सबसे पहला तो है ये पीछे बिरला मंदिर। सुबह सुबह 4 बजे निकलने का कारण ये है कि भाई हम आपको दिखा सकते हैं जयपुर एकदम अच्छे से, वो भी काफी शॉर्ट टाइम के अंदर, क्योंकि आप सबने जयपुर को तो देखा ही होगा बहुत सारे वीडियोस के जरिए, लेकिन कुछ नया हो जाए। और पीछे हमारा सात्विक खड़ा है, वो सोच रहा है कि मैं क्या कर रहा हूँ। उसके बाद है हमारे पीछे एक ये एल्बर्ट हॉल, लेकिन इसके साथ क्या दिक्कत है कि भाई अभी रात की बज रही है, सुबह की 4:30 होने आ गई, लेकिन हमारा जो एल्बर्ट हॉल के जो गेट है, जो रास्ते हैं, ये भी बंद होते हैं। होने का मेन कारण है भाई, देखो लाइट नहीं आ रही। बंद होने का मेन कारण होता है भाई कि पीछे की तरफ जो पब्लिक है वो जाती रहती है और काफी ज्यादा नुकसान कराती है। रात के टाइम के अंदर पता नहीं होता कौन क्या नुकसान पहुंचा दे इतनी बढ़िया सी जो प्रॉपर्टी है इसको। फिर अभी हम आ गए जयपुर की पिंक सिटी, यानी पुरानी सिटी के अंदर। जो नई सिटी उसको पिंक इसलिए नहीं कहते कि भाई वहां पे जो ऐसे जो घर है ये जो है ये पिंक नहीं है। ये देख लो भाई इतनी प्यारी सी रोड है, रात के टाइम पे ही ये प्यारी लगती है, दिन में तो यहाँ पे इतना ट्रैफिक होता है कि भाई आप चल भी नहीं सकते। अभी तो गाड़ी गाड़ी मेरी चल रही है फिर ठीक है। पर पिंक सिटी का अगर हम बात करें तो भाई लास्ट में जो है वो हमारा लास्ट में तो नहीं, अभी तो हवा महल है। ये देखो इसको हवा महल पता नहीं क्यों कहते हैं, बताता हूँ। हमारा प्यारा सा हवा महल जिसको दिन में देखने के लिए यहाँ पे अटरम ही सटरम भीड़ होती है। सात्विक भाई ऐसे बाल खोल के खड़ा, एकदम चुड़ैल लग रहा है ये बंदा। लेकिन इसके अलावा ये हमारा जो है ये हवा महल है। हवा महल को हवा महल किस लिए कहते हैं भाई? इसको इसलिए कहते हैं कि इसके अंदर काफी ज्यादा खिड़कियां हैं। हाँ भाई, इसके अंदर बहुत सारी खिड़कियां, इसलिए इसको हम हवा महल कहते हैं। और आपने काफी सारे व्यूज देखे होंगे हवा महल के, जो कि ये सामने वाले ऊपर जो कैफेज हैं यहाँ से आते रहते हैं। ये देखो इतने सारे यहाँ पे कैफेज है कि क्या बताऊं मैं। अगर हवा महल देखना है तो सिर्फ आपको ये नाइट में ही दिखेगा और सुबह के 3:30-4 बजे ही दिखेगा, क्योंकि दिन के अंदर और रात के 12-1 बजे तक तो यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ ही भीड़ होती है, एकदम भीड़ भड़का ही लगा हुआ रहता है बाकी पूरी रोड जो है एकदम अभी। लेकिन जल महल दिखाने से पहले मैं आपको एक और चीज दिखाना चाहता हूँ कि जल महल रात को दिखेगा तो नहीं, लेकिन यहाँ पे रोड है और पीछे देखो हमारे वायु सेना का जो है स्टेशन है। यानी ये इतना बढ़िया जगह है ना, अगर नाइट में कभी आने का मौका मिले जयपुर की तरफ तो भाई इस लोकेशन पे जरूर आना और काफी ज्यादा बड़ा अच्छा मजा आने वाला है तुम सबको। ये देखो यहाँ पे कुछ अलग सी, और ये मैं इस पे चढ़ गया और चढ़ने के बाद आपको दिखाता हूँ भाई। ये देखो और वहाँ पे कुछ लोग बीच में सड़क के बीच में खड़े फोटो ले रहे, हम भी ले रहे थे, लेकिन यहाँ पे दिखाता हूँ मैं आपको। गाय वगैरह बैठी है बढ़िया अच्छे से और मजे से भाई। ये देखो बंदा गाड़ी लेके घुस गया अंदर और यहाँ पे एकदम बढ़िया अच्छे से जो है। और मजे की बात क्या है, हमारे जो सात्विक भाई है वो जयपुर से है ही नहीं भाई। जयपुर से कहीं कहाँ से है भाई, बताएगा? मैं हूँ गाजियाबाद से। ये गाजियाबाद से, हमारी छोरी छोरों से कम नहीं है, ये छोरी नहीं है, ये छोरा है। पर ये छोरे को ना हेलमेट लगाने की आदत है, देखना अभी हेलमेट लगाएगा। हेलमेट लगा ले भाई एक बार जरा, और इस एंगल से ना भाई कोई नहीं बता सकता कि ये लड़की है कि ये लड़का है भाई। पीछे बैठा हुआ ये लड़की ही लग रहा है पूरा, अगर इसके शोल्डर ना देखो तो। और भाई मजा आ रही है क्या? यस जयपुर घूमने मजा आई कि नहीं? नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है जयपुर में, ऑल्दो नाइट लाइफ नहीं है लेकिन जयपुर की वैसे नाइट लाइफ बहुत बढ़िया है। कैसे भाई, वैसे कैसे? मतलब अगर आपको घूमना है तो जयपुर रात को घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। साइलेंट है? हाँ, एक तो सबसे बड़ी बात साइलेंट है, ऊपर से रोड्स बहुत बढ़िया बने हुए हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत सही डेवलप किया हुआ है। अब ये नहीं पता कि जल महल सुबह कैसा दिखेगा, क्योंकि हम सुबह कभी भी नहीं आए हैं यहाँ पे, हमने सिर्फ रात को देखा है जल महल को। एक सबसे बढ़िया बात ये रहेगी कि अगर आप रात को आ रहे हो तो आपको चाय जरूर मिल जाएगी कहीं ना कहीं, तो आप सुट्टा भी मिल जाएगा, तो भी चाय पी सकते हो, सुट्टा भी मिल जाएगा। तो सुट्टे वाल लोग उनके लिए, हम तो नहीं पीते, हम खैर एकदम सोबर है। हाँ जी बिल्कुल सोबर है बिल्कुल दोनों भाई, लेकिन हाँ हमारी बाइक सोबर नहीं है, ये बहुत सारा तेल पीती है, अल्कोहल पीती है बहुत सारा, ये लाइव अल्कोहल पीती है। जयपुर के अंदर अपन ने आपको मैंने सब कोई छोटा मोटा चीज दिखा दी, देखो कितने प्यारे जो है कोयल, जो है कोयल नहीं है मोर, जो बोल रहे हैं मोर बोल रहे हैं ना, हाँ मोर बोल रहे हैं, सॉरी कोयल नहीं मोर बोल रहे हैं। लेकिन भाई ये है जयपुर की ब्यूटी, आपको बड़ी बड़ी सिटीज में देखने को नहीं मिलेगी, लेकिन आपको जयपुर के अंदर ये चीज देखने को मिलने वाली है। जयपुर के अंदर आपको ये सब चीजें देखने को मिलती है, तो आपको कब निकलना है? रात को 3 बजे बाद, सुबह के सुबह सुबह मॉर्निंग में निकलिए, यहाँ से नारगढ़ जाओ, नारगढ़ जाके बढ़िया वहाँ पे सनराइज देखो। अगर कोई आपके साथ बंदी है, आपका कोई दोस्त है, तो भाई ये चीजें जयपुर के अंदर दिखाने बनती है। और ये एम्प्टी रोड्स भी जयपुर की दिखाने काफी ज्यादा बनती है, अगर गाड़ी अच्छी है तो थोड़ी स्पीडिंग भी कर सकते हैं, वैसे अलाउड नहीं है बट हाँ ट्राई कर सकते हैं। बाकी ये देख लो मेरी है प्यारी सी बाइक यहाँ पे खड़ी, वहाँ सात्विक बैठा है एकदम बढ़िया मुंह लटका के अच्छे से एकदम कि भाई कब तक वीडियो बनाएगा। और ये है हमारा प्यारा सा जयपुर। पूरी रात भटकने के बाद वीडियो एंड करने से पहले आपको भाई जयपुर की विधानसभा दिखाना तो बनता ही है, अगर जयपुर आ रहे हो तो विधानसभा जरूर देखना। बहुत सारी चीजें जो दिखानी बाकी रह गई इस वीडियो के अंदर, जब भी मौका मिलेगा आई विल मेक श्योर कि आपको बहुत सारी चीजें बताऊं इस वीडियो के अंदर भाई। फिरोजाबाद है ये फिर ये फरेवी लोग है, मजाक कर रहा हूँ। बाकी ये देखो विधानसभा पूरी दिखा देता हूँ, काफी बढ़िया है विधानसभा। अभी मैं आपको वापस लेके जाऊंगा हमारे कहा जल महल पे।
और अगर आपको ये छोटा सा प्यारा सा टूर जयपुर का पसंद आया हो, जो कि शायद आई गेस 2 या 3 मिनट का ही था, तो क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और भाई हमारे सात्विक भाई की जो बलिदान दिया है इन्होंने अपनी नींद को, इसके लिए भैया एक लाइक तो बनता ही है। और मैंने भी जो दिया है नींद को बलिदान, एक लाइक तो बनता ही है, क्योंकि कल मुझे बहुत सारे वीडियो शूट करने हैं, लेकिन अभी हम शूट कर रहे हैं और वीडियोज। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय। अगर ऐसे और ब्लॉग्स हैं तो फटाफट से कमेंट कर दो, ऐसे और ब्लॉग्स मैं लेके आता रहूंगा। और किसी रिव्यू के पीछे का जो अपन कहते हैं ना, क्या कहते हैं उनको, क्या कहते हैं अपन ऐसे जो शॉर्ट्स बनाते हैं, क्या कहते हैं उनको, BST BTS कहते हैं उसको, बिहाइंड द सीन्स। हाँ, बिहाइंड द सीन। BST तो बैंड है शायद ना, BTS बैंड, अरे वो भी सेम ही है। तो अगर BTS अगर आपको चाहिए तो क्या करना, फटाफट से मेरे को बता देना, मैं आपको बहुत सारे BTS दे दूंगा किसी रिव्यू के पीछे के लिए, भैया कितनी मेहनत लगती है एक रिव्यू बनाने के लिए। तो मिलते अगले वीडियो के, तब तक के लिए बाय बाय, स्टे ट्यून्ड, और सब्सक्राइब कर लेना और लाइक भी कर लेना और बेल आइकन दबा देना।